वेल हाल ही में उत्कर्ष शर्मा नजर आए अपनी फिल्म जीनियस को प्रमोट करते हुए। वेल बता दें कि ये वही उत्कर्ष शर्मा हैं जो फिल्म गदर में सनी देओल के बेटे के रोल में नजर आए थे। वेल देखिए आप भी कितने बदल गए हैं, क्या क्या कहा उत्कर्ष ने, आइए आप सभी को ले चलते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ट्रेलर भी हिट है, गाने भी तीनों हिट है, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? जी बहुत ही एक्साइटेड हैं हम दोनों कि जीनियस मूवी आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप सबको गाने पसंद आ रहे हैं, आपको ट्रेलर पसंद आया, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हम दोनों डेब्यूटेंट्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हम बस यही आशा करते हैं कि आप सब अपने पूरे परिवार को लेके थिएटर में आएँ, क्योंकि ये फैमिली फिल्म है, कम्प्लीट एंटरटेनर है। मैं सेम बात कहना चाहती हूँ और हम ये लिए ग्लैड कि अभी तक जो भी प्यार मिला है गानों के लिए, ट्रेलर के लिए, तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। एंड आई होप कि सब लोग इतना ही प्यार मूवी को भी दें, इनफैक्ट ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो या रियली ग्लैड, रियली हैप्पी। किस तरह का माहौल हो रहा था सेट पे? जी माहौल तो ऐसा ही रहा जैसे उनके सारे सेट्स पे रहता है, कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। जैसे वो इनके साथ थे वैसे ही मेरे साथ थे, वैसे ही नवाज सर के साथ थे। तो वो पैशनेट डायरेक्टर हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 48 घंटा अगर वो काम कर सकते हैं तो आपको भी, आप में भी इतनी स्टैमिना रहनी चाहिए, कभी भी 3 बजे आपको कोई भी सीन के लिए बुला सकते हैं। एंड स्क्रिप्ट आपको मंत्र की तरह याद रहनी चाहिए एंड उस पर भी परफॉर्मेंस नेचुरल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो बहुत ही मुझे तो मैं तो काम कर चुका हूँ उनके साथ एज एन असिस्टेंट वगैरह, तो मैं जानता हूँ किस तरीके से काम करते हैं, बट नया एक्सपीरियंस यही बता पाएंगी कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करने के लिए, मुझे बहुत सीखने को मिला, उन्होंने बहुत टिप्स दिए, लेसन दिए, और मैं हमेशा उनके जो भी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं मैं हमेशा याद रखूँगी। और इनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आया, और इतने अमेजिंग एक्टर हैं और इतने डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो इनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला। तो आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पहले फिल्म में मुझे उत्कर्ष जैसे को स्टार और अनिल सर जैसे डायरेक्टर मिले। मैं तो बस खुश हो गया, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं खुश हो गया। बट मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, क्योंकि एक जो को स्टार्स और जो भी कहिए लीडिंग पेयर कह लीजिए, तो हमें एक फ्रेंडलीनेस हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सब दर्शकों को रियल लगे रोमांस, आप सब दर्शकों को जेन्युइनली भाव महसूस हों जब हम एक साथ हों। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके एंड आगे भी काम करने की उम्मीद करूँगा। ये मूवी मिली कैसे आपके? तो डैड है, तो फिर क्या आपने भी ऑडिशन दिया था कि? जी मेरा ऑडिशन तो जब मैं इनकी उम्र का था तब हो गया था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई के लिए निकल रहा था अमेरिका के लिए, तो तब मैंने कह दिया था, ऐलान कर दिया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। एंड तो उसके लिए पापा कई चीज़ें मेरे से इम्प्रोवाइज सीन करवाते थे घर पे, एंड ऐसे कई बार तो हम लोग बीच पे वॉक करने भी जाते थे, तो वहाँ पे किसी को पकड़ के मेरे साथ इम्प्रोवाइज सीन करवा देते थे, कोई भी एक्टर मिल जाता था तो उन सब में वो देखते रहते थे, गेज करते रहते थे। एंड ये मेनली गेज करते थे कि इसमें डिटर्मिनेशन, इसमें मोटिवेशन, इसमें पैशन कितना है ये बनने का, क्योंकि ये इंडस्ट्री में उन्होंने जो मुझे एक चीज़ सिखाई है कि पैशन ही सर्वाइव करता है। बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग नहीं आते हैं, बट जिनमें पैशन रहता है वो सर्वाइव करते हैं। तो वो गेज करना चाहते हैं, वो ऐसे कलाकार, ऐसे डायरेक्टर हैं कि वो अपनी फिल्म को कभी जेपर्डाइज नहीं करेंगे अपनी फैमिली के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं उनके साथ, तो वो अगर एडिट में है तो एडिट में ही रहते हैं, दिनों तक हम उनकी शक्लें नहीं देखते, उनसे बात नहीं करते। तो बहुत ही ओवर पैशनेट डायरेक्टर हैं एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया, उनसे बहुत सीखने में। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मूवी मिली आपको? मैंने भी बहुत ऑडिशन दिए इसके लिए, बहुत स्क्रीन टेस्ट हुए, वर्कशॉप्स हुए, रिहर्सल्स हुए,
और अनिल सर को अराउंड 3 महीने लगे मुझे सिलेक्ट करने के लिए, और कुछ अराउंड 4,000 गर्ल्स मुझे सिलेक्ट किया. तो आई एम रियली लकी और रियली ऑनर. एंड मुझे याद है कि हम लोग वर्कशॉप के लिए बैठते थे तो उत्कर्ष आते थे एंड हम लोग 5 घंटे वर्कशॉप्स करते थे, रिहर्सल्स करते थे. तो वो टाइम पे मैंने बहुत सीखा और वो जो लेसन जो भी थे, जो भी रिहर्सल थे, उसमें से मुझे परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ रहा है एंड यू कैन सी दैट इन द मूवी. और आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ये जीनियस जो है वो मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मूवी और मुझे भी अपना कैरेक्टर और अपनी जो टैलेंट है वो मैं दिखा सकूँगी. तो या सीखने की बात करें तो नवाज सर है, अपने आप में एक हिट माने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या क्या सीखने के लिए मिला उनसे? नवाज सर और मिथुन दा दोनों जो हैं वो हमें लाइक वेरी ग्राउंडेड हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं. और मैं हमेशा वही सीखना चाहती हूँ उनसे कि आफ्टर डूइंग सो मेनी फिल्म्स और आफ्टर रीचिंग सच अ लेवल वो भी उतना ही डेडिकेशन है, उतना ही पैशन है सेम. तो मैं भी वैसे ही रहना चाहूँगी और रियली ग्लैड कि हमारे पहले फिल्म में हम लोग इतने बड़े कलाकार के साथ काम कर रहे हैं. तो या मैं भी कुछ ऐसे ही कहना चाहूँगा इसी लाइन्स पे कि वो लोग इतने दिग्गज कलाकार हैं फिर भी अपने ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं एंड वो दोनों ही इस स्टेज पे भी अपने करियर के इतना प्रिपेयर होकर आते हैं, एक डेब्यूटेंट्स की मूवी होने के बावजूद भी एक एक डायलॉग एक एक नुआंस पे काम करते हैं. तो एज न्यू कमर्स आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, बहुत प्रोत्साहन मिलता है और कभी भी वो ऐसे ट्रीट नहीं करते कि भाई आप न्यू कमर हैं, आप हमारे लेवल तक नहीं आ सकते. हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप आइए, हम सीन को और बेहतर बनाएंगे. एंड ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है दोनों की. एंड बस हम दोनों का तो एक तरीके से कह लीजिए सपना साकार हो गया, पिछले जन्म में हम दोनों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसे कलाकारों के साथ पहली फिल्म में काम करने में. मिथुन दा और नवाज सर दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा जो हम आप जो आपको सबसे ज़्यादा सीखने के लिए मिला हो, उस वाक्य को कुछ बता सकते जी हैं? नवाज सर की जैसे मैं बात करूँगा तो मैं उनको देखता था जब भी वो सेट पे रहते हैं, अपने नुआंस पे काम करते रहते हैं, डायलॉग्स पे काम करते रहते हैं. मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर आप हर टेक इतना परफेक्ट और इतना सेम इंटेंसिटी के साथ कैसे दे पाते हैं? तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा वाक्य कहा कि वो सब अपनी ट्रेनिंग को एट्रिब्यूट करते हैं ये जो उनका जो परफॉर्मेंस स्किल है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उनको अच्छी मिली तो वो मानते हैं कि उसी से उनको ज्ञान मिला कि कैसे किस तरीके से एक्टिंग की जाती है, किस तरीके से कैरेक्टर को अप्रोच किया जाता है. तो उससे मुझे भी बहुत भरोसा आया अपनी ट्रेनिंग पे एंड इन्हें भी बहुत भरोसा आया होगा इनके ट्रेनिंग पे. तो ज़रूर जब इतना बड़ा कलाकार आपको ये बोलता है कि उसकी सक्सेस उसके नेचुरल टैलेंट से नहीं, इनबॉर्न टैलेंट से नहीं, उसकी ट्रेनिंग के वजह से, तो आपको भी यकीन आता है कि एक्टिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जो आप सीख जितना सीखें उतना कम है एंड आपको सीखते ही जाना चाहिए. सही बात. मिथुन दा के बारे में कुछ बता सकते हैं? वैसे मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं थे उनके साथ, लेकिन जितना भी मैंने उनको सेट पे देखा वो भी उतने ही डेडिकेटेड हैं, उतने ही अमेजिंग एक्टर हैं जो पहले से ही थे. और यही है कि मैं बहुत लकी हूँ उनके साथ काम करने में. और इतना ही है. तीनों सॉन्ग्स हिट हो गए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग्स के बारे में? जी सॉन्ग्स तो हम दोनों बहुत लकी हैं कि हिमेश जी ने 3 साल बाद किसी फिल्म में गाना दिया एंड गाना क्या पूरा एल्बम ही दे दिया. एल्बम जो उन्होंने 100 गानों का बैंक सुनाया था हमें एंड 100 में से हमने 5 गाने फाइनलाइज किए. तेरा फितूर पहली लिसन में ओके कर दिया था. एक ऐसा गाना था जब मैंने सुना मैंने कहा कि यार पहली फिल्म का कोई गाना हो तो ये हो. अरिजीत सिंह की आवाज़ एंड हिमेश जी का म्यूज़िक एक डेडली कॉम्बिनेशन है एंड लोगों को वो गाना बहुत पसंद आ रहा है. बहुत खुशी महसूस होती है जब ऐसी सड़क पे कहीं चल रहे होते, किसी दूध वाले की दुकान पे, किसी पान वाले की दुकान पे ये गाना बज रहा होता है. तो वाकई लगता है कि कुछ छोटा ही सही पर कुछ हासिल हुआ है. एंड बस गाने तो एक से एक सिंगर हैं, आतिफ असलम हैं, जुबीन नौटियाल हैं, नीति मोहन हैं. तो एल्बम तो दर्शकों और लिसनर्स के लिए बहुत ही कमाल होने वाला है. आपका भी सेम सेम है और तो गाने हैं उन गानों के बारे में बता सकते हो? हाँ
दो गाने जो अभी रिलीज़ होंगे सुन, तो वो भी उसमें से मेरा जो फेवरेट है वो तुझसे कहाँ जुदा है, और उसका जो विजुअलाइजेशन है वो मेरे लिए ऐसा एक सपना था, बिकॉज़ मुझे हमेशा मैं चाहती थी कि अगर कोई भी गाना करूँ तो उसमें ना वो प्रॉपर बॉलीवुड वाला जो रहता है कि आपको ग्रैंड लोकेशंस रहते हैं या फिर जो ड्रेसेस ऐसे उड़ रहे हैं जो, वो मुझे ड्रेस बहुत उड़ पसंद रही आता है, है। और लाइक हीरोइन डाल रही है और फिर ना ऐसे, तो वो वैसा सॉन्ग है। और तो एज़ पर विजुअलाइजेशन और एज़ पर म्यूज़िक वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, एंड यू नो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको कभी वो हम आपके साथ वो गाना शेयर कर सकें। और आई एम रियली ग्लैड कि जो जितने भी गाने अभी तक रिलीज़ हुए हैं लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना हम उनको प्यार करते हैं, तो या उत्कर्ष की बात करें, उनका डरना है, जी ये दो बातें हो गई, क्या कहना चाहेंगे, कितने चेंजेस हुए जी इंडस्ट्री या मुझ में? दोनों में जी मुझ में तो बस यही यकीन, और एक चीज़ जो मैंने गदर के समय सीखी थी वही और गहरी हो गई है, कि गदर के समय पे मुझे एक्टिंग नहीं आती थी एंड मैं अनट्रेंड एक्टर था। आज भी मैंने यही सीखा है कि एक्टिंग न आना ही बेस्ट एक्टिंग है, जितना रियल रहेगा उतना ही बेहतर है। एंड अब चैलेंज ये है कि ट्रेंड होके अब आपको वो दिखाना है कि आप रियल हैं। एंड ये एक लेसन है जो मैंने तब से सीखा हुआ है एंड आज भी अपने साथ रखता हूँ। दूसरी बात ये कि टेक्निकली बहुत चेंजेस आ गए हैं इंडस्ट्री में। पहले हम जो भी स्टंट्स करते थे एब्सोल्युटली रियल होते थे, क्योंकि हम ट्रेन पे भाग रहे हैं तो असलियत में भाग रहे हैं चलती ट्रेन पे। अगर रिक्शा से मुझे चढ़ाया जा रहा है चलते ट्रक में तो असली में हो रहा है, सामने अगर कुछ आग जल रही है ब्लास्ट हो रहा है तो सब रियल हो रहा है, एंड गिर भी रहे हैं तो चोटें भी असली लग रही हैं, सब असली ही हो रहा है। तो शायद मैं उसको उतना रोमांचक एक्सपीरियंस नहीं कहूँगा किसी और किसी आम व्यक्ति के लिए, बट आज के समय में बहुत सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, सीजी का काफ़ी यूज़ आ गया है, ग्रीन स्क्रीन वगैरह के से एक नया चैलेंज ज़रूर आ गया एक्टर्स के सामने। इमेजिनेशन ज़्यादा करना पड़ता है आपको, कि आपको पता नहीं है कि आप 1,000 के क्राउड में कोई डायलॉग बोल रहे हैं, पीछे सब ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है, फिर अचानक आप जब फिल्म में देखते हैं कि अरे इतना सारा क्राउड था, मैं तो एकदम विस्पर करके बोल रहा था। तो खैर, हालांकि मैं तो प्रिपेयर था इन सब चीज़ों के लिए, बट ये सब चैलेंजेस आज के दौर में एक्टर्स को फेस करने पड़ेंगे। नया चैलेंज है, चैलेंज एक्टर को अच्छा ही लगता है। और देखा जाए तो ऑफ स्क्रीन किस तरह का माहौल था सेट पे, सेट के पीछे का माहौल के बारे में जानना चाहूँगा, जी मस्ती और सेट के क्या हो पीछे क्या का माहौल कुछ कुछ ऐसा शेयर था, कर सकते? या ये कुछ ऐसा चलता था, ये रहता है चलता लिखने रहता हमेशा। था हमेशा। एंड अभी भी कर रहे थे ऐसे ही, हाँ, पैर को लात अभी मार, टेबल के देखो नीचे आपको नहीं पता पैर, मैंने कितनी बार इनको हाँ लात मार लात दी है। मार। एक ये बात डेफिनेटली मैं हमेशा रिमेम्बर करूंगी कि हम लोग अगर अर्ली पैकअप होता था तभी हम लोग होटल में जाके लाइक अनिल सर जो हमारे राइटर हैं हम पूरी टीम मिलके टेबल टेनिस टेबल खेलते टेनिस थे, खेलते थे बहुत पूरी मज़ा आता टीम, था, लाइक कैरम खेलते हैं, लाइक मोस्टली टेबल टेनिस होता तो था। अच्छी बॉन्डिंग होती थी उस टाइम हाँ सेट पे। एंड क्या था, मैं तो सारे गेम जीत गया इसमें, कि मैं जीनियस प्ले कर रहा हूँ तो सारे गेम हार गई, एक बार हराई एक थी, बार जीत एक लाइक बार नहीं जीती, नहीं वो टाइम भी मैं हार गई, वैसे जीतते जीते हार जीतते गई। जीतते हार हाँ गई, पर वो जीते सुनाती थी मैं जीत रही थी, मैंने तुम्हें जीतने दिया वो गेम। तो अच्छा ही माहौल था, बहुत फ्रेंडली एटमोसफियर था एंड बहुत या मज़ा आया ये फिल्म। फाइनली यूएस पे बता दीजिए पिक्चर की, अगर ऑडियंस जाए तो क्यों जाए? जी ये फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनर है एंड इसमें आपको एक्शन, रोमांस, ड्रामा सब मिलेगा, सस्पेंस, थ्रिल, एंड उससे भी ज़्यादा इसमें एक जो यूनिक एस्पेक्ट है इसका, कि दो जीनियसिस का क्लैश है। एक जीनियस जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जो मथुरा वृंदावन से है, अपने कल्चर से बहुत आइडेंटिफाई करता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, एंड दूसरा जो एक सुपर जीनियस है नवाजुद्दीन सर, जो इसके खिलाफ़ हैं, एंड इन दोनों जीनियसिस का टकराव है जो बॉलीवुड में बहुत नया है। एंड माइंड बैटल होगा, सिर्फ हाथों हाथापाई नहीं होगी इसमें, दिमाग, दिल, बाजू सब लग जाएंगे। एंड उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म में, मैं एंड तो नहीं बताऊंगा, उम्मीद करते हैं कि इसमें प्यार की जीत होगी या नहीं होगी, क्या पता, माइंड बेंडिंग फिल्म है थोड़ी, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड फैमिली फिल्म है तो आप पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। क्या प्यार की जीत होगी कि नहीं? मैम प्यार की जीत होगी कि नहीं ये बता दीजिए आप। मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा। जी।